अगर आप बीस्ट मूवी का सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार्ट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को 4 मिनट से शुरू कर सकते हैं। और मेरे फिल्मी दीवानों, तो कैसे हैं आप? सो हे गाइस, दिस इज जतिन एंड यू आर वॉचिंग बॉलीव्यूज। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉलीवुड यानी कि तमिल लैंग्वेज मूवी बीस्ट मूवी के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो मूवी बीस्ट जो कि रिलीज हुई थी 13th of April 2022, 13 अप्रैल 2022 को मूवी को वेडनेसडे के दिन रिलीज किया गया था। रेटिंग की बात करें तो बता दें कि इस मूवी को क्रिटिक्स द्वारा 5 में से 3 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी, मूवी को 3 स्टार्स की रेटिंग मिली थी। वहीं बात करें स्क्रीन काउंट्स की तो मूवी को इंडिया में तो लगभग 2550 स्क्रीन्स इंडिया में दिए गए थे, तो इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में इसे 1000 स्क्रीन्स पे ओवरसीज मार्केट पे रिलीज किया गया था। दोनों को इंक्लूड करके मूवी को वर्ल्ड वाइड 3550 स्क्रीन्स पे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था। मूवी बीस्ट एक एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी थी जिसको नेल्सन दिलीप कुमार ने डायरेक्ट किया था, तो मूवी के राइटर भी थे नेल्सन दिलीप कुमार। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को कालानिधि मारन ने प्रोड्यूस किया था, तो उन्होंने इस मूवी को अपने प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम था सन पिक्चर्स, इसी बैनर तले मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। चलिए तो बात करते हैं कास्ट यानी कि कलाकारों की। तो मूवी बीस्ट के अंदर थालापति विजय, पूजा हेगड़े, सेल्वा राघवन, वीटीवी गणेश, शाइन टॉम चाको, शाजी चेन, अंकुर विकल, अपर्णा दास, योगी बाबू एंड साथ ही सुनील रेड्डी, ये सारे इस मूवी के अंदर नजर आए थे। लेकिन इनके अलावा भी इस मूवी के अंदर काफी सारी कास्ट नजर आई थी। बता दें कि ये मूवी थालापति विजय की फिल्म नंबर 65 भी थी यानी कि फिल्म नंबर 65। इसीलिए इस मूवी का अपने इनिशियल डेज में जो टेंटेटिव टाइटल रखा गया था वो था थालापति 65। बाद में इसे बदलकर मूवी का फाइनल टाइटल बीस्ट के नाम से डिसाइड हुआ था। पहले इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए कई सारे अलग अलग डायरेक्टर्स का नाम सामने आया था, लेकिन साल 2020 में मूवी के प्रोड्यूसर कलानिधि मारन ने इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए AR मुरुगादोस का नाम फाइनल किया। लेकिन बीच में आ गया कोविड जिसके चलते कई लोगों को काफी लॉस उठाना पड़ा था, तो ऐसे में ना चाहते हुए भी मूवी के प्रोड्यूसर कलानिधि मारन को ना चाहते हुए भी इस मूवी के बजट को काफी कम करना पड़ गया, जिसके चलते कलानिधि मारन ने इस मूवी में काम करने के लिए एक्टर थालापति विजय और मूवी के डायरेक्टर AR मुरुगादो से इस मूवी में काम करने के लिए अपनी फीस कम करने के लिए रिक्वेस्ट करी। तो उसके बाद एक्टर विजय जो पहले इस मूवी के अंदर काम करने के लिए 100 करोड़ की फीस ले रहे थे, तो वो प्रोड्यूसर की रिक्वेस्ट को मानकर अपनी फीस पर 30% की कटौती करने के लिए मान गए, जिसके बाद विजय ने इस मूवी में 100 करोड़ की बजाय 70 करोड़ की फीस ली, 70 करोड़ की। लेकिन AR मुरुगादोस अपनी फीस कम करने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद मूवी के प्रोड्यूसर ने AR मुरुगादोस को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। और AR मुरुगादोस को इस प्रोजेक्ट से बाहर करने के बाद मूवी के प्रोड्यूसर कलानिधि मारन ने इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए नेल्सन दिलीप कुमार को फाइनल किया। मूवी बीस्ट बॉक्स ऑफिस पर कन्नड़ मूवी सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 के साथ क्लैश हुई थी। हालांकि KGF चैप्टर 2 अगले दिन यानी कि 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई थी। अगर आप लोग KGF चैप्टर 2 का भी लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने बीस्ट मूवी को नहीं देखा है और आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर इस मूवी को 11 मई 2022 को रिलीज कर दिया गया था। चलिए तो फाइनली वक्त आ चुका है मूवी बीस्ट के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट और वर्डिक्ट के बारे में चर्चा करने का। तो मूवी ने अपने डे वन पर इंडिया में अपनी सभी भाषाओं से जो ओपनिंग नेट कलेक्शन की थी वो थी 49 करोड़ 30 लाख रुपीस की, जिसमें से इस मूवी ने अपनी ओरिजिनल भाषा तमिल से अपने डे वन पर जो ओपनिंग कलेक्शन की थी वो थी 42 करोड़ 45 लाख रुपए, 42 करोड़ 45 लाख रुपीस की। तेलुगु भाषा से डे वन पर 6 करोड़ 20 लाख 6 करोड़ 20 लाख की कलेक्शन की थी। हिंदी भाषा से डे वन पर 60 लाख 60 लाख रुपीस की कलेक्शन की थी। तो वही कन्नड़ भाषा से टोटल 5 लाख 5 लाख की ओपनिंग नेट कलेक्शन की थी।
मूवी ने इंडिया से अपने पहले 5 दिन यानी कि फर्स्ट वीकेंड पर मूवी को वेनसडे को रिलीज किया गया था, यानी कि वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो फर्स्ट वीकेंड पर पहले 5 दिनों में टोटल इंडिया से सभी भाषाओं से जो टोटल नेट कलेक्शन की थी वो थी 113 करोड़ 5 लाख रुपए, 113 करोड़ 5 लाख रुपीज के, जिसमें से मूवी ने अपनी ओरिजिनल तमिल भाषा से अपने फर्स्ट वीकेंड में टोटल जो कलेक्शन की थी 102 करोड़ 25 लाख रुपए, 102 करोड़ 25 लाख की, तेलुगु भाषा से 8 करोड़ 80 लाख, 8 करोड़ 80 लाख की कलेक्शन की थी, हिंदी भाषा से 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख की कलेक्शन की थी, तो वही कन्नड़ भाषा से टोटल 5 लाख रुपीज की कलेक्शन की थी। मूवी ने इंडिया से अपने फर्स्ट वीक, मूवी का पहला हफ्ता टोटल 9 दिनों का था, 9 डेज का। अब जो मूवी ने अपने फर्स्ट वीक में इंडिया में सभी भाषाओं से जो टोटल नेट कलेक्शन की थी वो थी 121 करोड़ 87 लाख रुपीज की, जिसमें से इस मूवी ने तमिल भाषा से अपने फर्स्ट वीक पर टोटल 111 करोड़ 16 लाख रुपए, 111 करोड़ 16 लाख रुपए की नेट कलेक्शन की थी। मूवी ने इंडिया से तेलुगु भाषा में अपने फर्स्ट वीक में टोटल कलेक्शन 8 करोड़ 90 लाख रुपए की कलेक्शन की थी, 8 करोड़ 90 लाख रुपीज की, हिंदी भाषा से 1 करोड़ 76 लाख, 1 करोड़ 76 लाख रुपए की कलेक्शन की थी, तो वही कन्नड़ भाषा से सिर्फ 5 लाख रुपए 5 लाख की कलेक्शन की थी। कन्नड़ से इस मूवी का कलेक्शन इसीलिए कम है क्योंकि कन्नड़ भाषा में कन्नड़ मूवी KGF चैप्टर 2 को भी रिलीज किया गया था। मूवी ने इंडिया से अपना जो टोटल लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था सभी भाषाओं से तो वो था 131 करोड़ 35 लाख रुपीज का, 131 करोड़ 35 लाख रुपए का, जिसमें से इस मूवी ने अपनी ओरिजिनल तमिल भाषा से लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था 119 करोड़ 98 लाख रुपीज का, तेलुगु भाषा से 8 करोड़ 90 लाख, 8 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया था, हिंदी भाषा से 2 करोड़ 42 लाख, 2 करोड़ 42 लाख का कलेक्शन किया था, तो वही कन्नड़ भाषा से सिर्फ 5 लाख रुपए का कलेक्शन किया था लाइफ टाइम नेट 5 लाख रुपीज का। बीस्ट मूवी का हिंदी डबिंग वर्जन से भी काफी कम लाइफ टाइम नेट कलेक्शन हुआ था, जिसका कारण ये था कि इस मूवी को हिंदी में अच्छे से प्रमोट किया ही नहीं गया था। अगर इस मूवी को हिंदी में भी अच्छे से प्रमोट किया जाता तो इसका हिंदी का भी कलेक्शन काफी ज्यादा हो सकता था। मूवी का जो इंडिया का लाइफ टाइम टोटल जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस यानी कि जिसमें टैक्स GST इंक्लूड हो जाता है, तो वो था 169 करोड़ 50 लाख रुपीज का। मूवी ने इंडिया से बाहर यानी कि ओवरसीज मार्केट से अपना जो टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन किया था वो था 67 करोड़ 50 लाख रुपीज का। बता दें कि इस मूवी का ओवरसीज मार्केट से और भी ज्यादा कलेक्शन हो सकता था, लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ सीन्स ऐसे थे जिसके चलते इस मूवी को गल्फ कंट्रीज से बैन कर दिया गया था। अब ये सब इंक्लूड करके मूवी का जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन था सब कुछ इंक्लूड करके तो वो था 236 करोड़ 90 लाख रुपए, 236 करोड़ 90 लाख रुपीज का। बजट की बात करें तो बता दें कि इस मूवी का जो बजट सामने आया है वो है 150 करोड़। जी हाँ दोस्तों, मूवी बीस्ट टोटल 150 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी। अब बात करते हैं वर्डिक्ट यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो बता दें कि मूवी का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो तो बजट से कम था, यानी कि मूवी इंडिया में तो बजट को रिकवर नहीं कर पाती, लेकिन जो ओवरसीज मार्केट में कलेक्शन हुआ था वो काफी अच्छा था, जिसके चलते मेकर्स अपने बजट को थिएटर से भी रिकवर कर लेते हैं, यानी कि इस मूवी की जो थिएटरिकल में जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो है एवरेज की। जी हाँ दोस्तों, मूवी बीस्ट बॉक्स ऑफिस पर अपने थिएटरिकल कलेक्शन के हिसाब से एवरेज साबित होती है, लेकिन 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 आपको बता दें कि मूवी ने अपने नॉन थिएट्रिकल राइट्स से यानी कि डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स एंड साथ ही म्यूजिकल राइट्स ये तीनों बेचकर अलग से 119 करोड़ रुपए की अलग से कमाई की थी। तो ऐसे में कुछ कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग इसको जो वर्डिक्ट दी है, इसको दोनों ओवरऑल कलेक्शन को इंक्लूड करके वर्डिक्ट दी है, यानी कि थिएट्रिकल राइट्स एंड नॉन थिएट्रिकल राइट्स दोनों को इंक्लूड करके कुछ कुछ सोर्सेस ने इस मूवी को सुपर हिट की वर्डिक्ट दी है, क्योंकि मेकर्स को ये दोनों ही राइट्स बेचकर काफी ज्यादा कमाई हुई थी। तो ऐसे में कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग मूवी की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो है सुपर हिट की। अगर हम सिर्फ थिएट्रिकल राइट्स की बात करें तो वहां से तो मूवी एवरेज होती है, लेकिन ओवरऑल कलेक्शन के बेस पर मूवी को सुपर हिट की वर्डिक्ट दी जाती है। आपको बता दें कि मूवी बीस्ट ने अपना जो टोटल लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 236 करोड़ 90 लाख रुपए का, इसी कलेक्शन के साथ ये मूवी साल 2022 की तमिल मूवीज की लिस्ट में थर्ड हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म साबित होती है। नंबर 1 पर थी पोनियन सेल्वन 1,
नंबर टू पर कमल हासन की फिल्म विक्रम और नंबर थ्री पर बीस्ट। लेकिन अगर मैं साल 2022 की ओवरऑल इंडियन मूवीज की लिस्ट की बात करूं तो उस लिस्ट में बीस्ट टॉप 10 यानी कि 10th हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी साबित होती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड साथ ही शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद। Thank you.